दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। सीबीएसई बोर्ड के टॉप ऑफिशियली की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ी खुलासा एग्जाम डेट को लेकर हुआ है। सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियली एग्जाम डेट को लेकर बहुत ही बड़ा हैरान करने वाली अपडेट आई है सीबीएसई बोर्ड के सभी 10वीं 12वीं छात्रों के लिए। सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम डेट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने किया है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संजय भारद्वाज यानी संयम भारद्वाज ने एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर है सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के एग्जाम को लेकर उन्होंने सबसे बड़ी बातें कही है। बोर्ड हैज नो प्लान टू डिले बोर्ड एग्जाम 2021। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर। इससे पहले मैं एक बात सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, सीबीएसई बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जो सीबीएसई बोर्ड बैक टू बैक फैसले कर रही है, इससे पहले सीबीएसई बोर्ड ने ऑफलाइन एग्जाम को लेकर ऑफिशियली कंफर्म किया था और वहीं सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियली एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने एग्जाम को लेकर कहा है 2021 बोर्ड एग्जाम्स को डिले नहीं किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर 10 तारीख को लाइव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सीबीएसई बोर्ड सारे फैसले खुद ही कर लेना चाहती है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर जो भी आपके एग्जाम्स को लेकर जो फैसले हैं वो खुद ही कर रही है, यानी कि बात करें 10 दिसंबर से पहले सभी फैसले सीबीएसई बोर्ड खुद ही कर रही है। लेकिन जो बड़ी बात है आपको समझनी है, एजुकेशन मिनिस्टर का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा। सीबीएसई बोर्ड हमेशा से एग्जाम डिले के पक्ष में नहीं रही है, हमेशा यानी कि बात करें 2020 का भी एग्जाम्स को लेकर सीबीएसई बोर्ड पूरी प्रयास में थी कि एग्जाम को करवाएंगे, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर जी वो आखिरी यानी कि स्टूडेंट्स की आखिरी उम्मीद जो है एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर यानी 10 दिसंबर को आखिरी वेट करना होगा, 10 दिसंबर ही वो आखिरी फैसला होगा। स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अगर आपने भी एग्जाम को लेकर सजेशन नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को जो है एग्जाम डिले करने के पक्ष में नहीं है। एग्जाम को लेकर जो सीबीएसई बोर्ड के फैसले आ रहे हैं वो समझ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रही है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाइयों में लॉस हुआ है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है और एग्जाम को लेकर तैयारियों में। सीबीएसई बोर्ड के जो आपके संयम भारद्वाज हैं उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में कंपार्टमेंट की परीक्षाओं को एमिड पेंडेमिक के दौरान करवाया था जो सक्सेसफुली था, उसी के लर्निंग बेस पर हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि हम बोर्ड एग्जाम्स को भी अच्छी तरीके से ऑफलाइन करवा लेंगे। ये सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के भारद्वाज जी जब कह रहे हैं, उनको इस बात को अच्छी तरीके से पता है। उनका लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने कहा था कि ऑफलाइन एग्जाम्स को हम इसलिए करवाएंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवा सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ऑल फैसिलिटीज नहीं है। और ये सवाल भी उसी समय ये सामने उठा था कि जब ऑफलाइन सीबीएसई बोर्ड इस बात को मान रही है कि ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, तो उन्होंने इस बात को कैसे मान लिया कि स्टूडेंट्स की पूरी पढ़ाई मार्च के बाद पूरी तरीके से प्रॉपर हुई होगी और वो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स को लेकर फुली प्रिपेयर होंगे। सवाल कई सारे उठते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स जो है आपके एग्जाम्स को लेकर वो कह रही है नो डिले, लेकिन आखिरी फैसला आपके एजुकेशन मिनिस्टर जी करेंगे। सीबीएसई बोर्ड कभी भी एग्जाम्स को लेकर आपके जो है फाइल आखिरी में यानी कि एग्जाम्स को डिले करने के पक्ष में नहीं रही है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को एक साथ आना होगा। डाउट नट बच्चों, अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आ जाए या आपसे सोल्व ना हो पाए, बस क्वेश्चंस की फोटो लो, क्वेश्चंस को सही से क्रॉप करो, उसे भेज दो, वीडियो में सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा जस्ट इन 5 सेकेंड। चाहे वो क्वेश्चंस आपके होमवर्क का हो, फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, पी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, या क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस हो, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस हो, या फिर चाहे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आपको डाउट नट ऐप पे। साथ ही साथ डाउट नट पे चल रही है क्लास 9 से 12 तक की हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आपकी अब हर पढ़ाई होगी डॉट नट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉट नट ऐप पे, तो अभी डाउनलोड करिए डॉट नट। सभी स्टूडेंट्स को 10 तारीख का वेट करना होगा और उससे पहले स्टूडेंट्स यानी एजुकेशन मिनिस्टर से उन्हें रिक्वेस्ट करना होगा बोर्ड एग्जाम्स को, अगर आप डिले के पक्ष में हैं, आपके जो भी फैसले हैं स्टूडेंट्स से अपने एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि वही वो आखिरी फैसले करेंगे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वहीं सीबीएसई बोर्ड की हर एक 10वीं 12वीं से जुड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे देते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है। वहीं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना भी ना भूलिएगा। जय हिंद।